यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं। तो लखनऊ में हम नाम सुनते सुनते वाजपेयी कचौड़ी भंडार भी पहुँच चुके हैं। वाजपेयी कचौड़ी भंडार आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। यहाँ पर बताते हैं दिन में बहुत लाइन लगती है, अभी शाम के 7 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं समय, तो यहाँ पर उतनी लाइन नहीं दिख रही, लेकिन जो है काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं बताया जाता है। इनसे हम बात करते हैं कि ये कब से कचौड़ी की दुकान है। आप ही भैया ओनर हैं? आप ओनर हैं इस दुकान? हाँ जी, बताइए कि कब से आपकी दुकान है? 1975। काफ़ी लंबा समय हो गया। आप मतलब आपके पिताजी या पहले शुरुआत करते? स्टार्टिंग पिताजी के पिताजी ग्रैंडफादर ने करी थी, बालकिशन वाजपेयी। तो कचौड़ी में आपके क्या स्पेशल है कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं? हैवी पूड़ी कचौड़ी होती है और साथ में उसके आलू और छोले की सब्जी होती है। आलू छोले की सब्जी? आलू की जो सब्जी होती है उसमें हम अपने मसाले खुद पीस के बनाते हैं, स्पेशल मसाले होते हैं। बेसिकली सब्जी और पूड़ी, पूड़ी क्योंकि थोड़ी हैवी होती है तो उसमें पपड़ी बनती है, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आती है। घर की जैसी पूड़ी नहीं होती है, थोड़ी हैवी पूड़ी होती है। बाकी हम जो दूसरे आइटम्स रखते हैं उसमें खस्ता होता है, भटूरा है, छोले चावल है, 4 आइटम यहाँ रखते हैं हम लोग। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, हाइजीनिक रखते हैं चीज़ें, और कोशिश ये रहती है कि ईमानदारी से अपना काम करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी अपनी मेंटेन करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो होता है अच्छी जगह से आता है, यही सब चीज़ें हैं और इतने टाइम से सब चल ही रहा है, थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद है। यहाँ पर आप दिखाइए मेरे, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं खाने के लिए, तो क्या नाम किस वजह से वाजपेयी आपने रखा? वाजपेयी तो देखिए हमारा सरनेम खुद है। अच्छा अच्छा, पहले हम लोग का सरनेम खुद है। और जहाँ तक बात है पूड़ी उन तक ले जाई गई थी, एक हमारे मीडियम थे वो उनके उन तक, वो बड़े शौकीन थे खाने के, तो पूड़ी उन तक गई थी। तो एक यहाँ के कोई लोकल मिनिस्टर थे, वो हमारे फादर एक्चुअली हिस्ट्री जानते हैं, तो वो लेकर गए थे उस समय। तो कैसा फीडबैक दिए वाजपेयी जी ने? अब उनका उनकी तरफ से तो फीडबैक तो हमें नहीं आया था, लेकिन हाँ पसंद आया होगा, इतने लोग पसंद करते हैं तो उनको भी पसंद आया होगा ऑब्वियसली। कितने का आप देते हैं अभी प्रेजेंट डेट में? एक प्लेट पूड़ी 30 रुपए की है। 30 रुपए की? 30 रुपए की प्लेट। काफ़ी भीड़ होता है तो फिर भी आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मनीष वाजपेयी। तो मनीष वाजपेयी को आपने सुना, यहाँ पे कचौड़ी जो भंडार है तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 30 रुपए का और 75 का इनका इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरीके से आप कुछ ऊपर बोर्ड दिखाइए कि स्वाद अनुसार रोचक इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 1975 में हुआ है। काफ़ी लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से। ये भी भैया देखिए कचौड़ी खा रहे हैं, कैसा है आपका इनका कचौड़ी? बहुत बढ़िया इनकी। कब से आते हैं आप? मैं तो अब तो पहले आता था, अब नहीं आता हूँ, अब तो आप दूर है मेरा ऑफिस से, पहले आते हैं। हाँ, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है खाने में? हाँ, सब्जी भी बढ़िया इनकी, चटपटी है, अच्छी है। अच्छी है तो काफ़ी अच्छा जो है बता रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं। सवेरे भी बहुत लाइन लगती है। हाँ, सवेरे बहुत लाइन लगती है। लाइन लग जाती है तो सवेरे बता रहे हैं काफ़ी लाइन लगती है, वो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर काफ़ी लाइन लगती है, बहुत प्रसिद्ध है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रसिद्ध होती हैं, कुछ व्यवहार भी अच्छा होता है लोगों का, जिसकी वजह से दुकान में लाइन लगती है और चलता है। यहाँ पर रेट भी सही है और चीज़ भी सही है, लोगों का व्यवहार भी अच्छा है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं जरूर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।